दिस इज़ माई लास्ट 5 days प्लान एंड इट इज़ फॉर 15th to 19th ऑफ फेब एज 20th से मेरे एग्जाम शुरू है. तो हाँ, आई हैव स्पेसिफाइड द सब्जेक्ट्स एंड ये मेरा पूरा प्लान है जो जो मैं करूँगी एज यू कैन सी. तो फॉर टुडे डेट इज 15th of February. मैं आज मैथ्स के पी वाई क्यूज करूँगी फॉर द चैप्टर्स दैट आर रिमेनिंग. लाइक मैंने थोड़े चैप्टर्स कर लिए फ्रॉम पी वाई क्यूज एंड मैं थोड़े से रह गए, तो हाँ आज मैं पहले वो ख़त्म करूँगी एंड उसके बाद जो चैप्टर मेरे ऑलरेडी हो गए हैं पी वाई क्यूज के साथ उनको मैं रिवाइज करूँगी. तो आई हैव अलॉटेड अ 1 full day फॉर मैथ्स. ऑब्वियसली अगर इसमें टाइम मिला तो आई विल ऑल्सो डू सम इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस एंड प्लस SST की थोड़ी सी रिविजन अगर टाइम मिला तो. देन आई विल डू नेक्स्ट डे दैट इज 16th, उसको मैं पूरा होल डे आई विल डेडिकेटेड टू SST. मैं पूरा रिविजन करूँगी प्लस PYQs. देन साइंस फ्रेंच एंड फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच का पेपर सबसे पहले है तो आई विल डू फ्रेंच फॉर 3 days एंड ऑब्वियसली थोड़ा टाइम मिलेगा तो और भी सब्जेक्ट्स करूँगी. तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस वीडियो ऑफ PYQs ऑफ इकोनॉमिक्स मैराथन. तो हाँ, आई हैड टू वॉच दिस एंड मैंने इसको 2x पे करके देख लिया, बट स्टिल मेरे को 3:30 बज गए एंड एट 3:20 आई गॉट फ्री फ्रॉम दैट वीडियो एंड वो मैंने कर लिया अच्छे से PYQs. प्लस जो कॉन्सेप्ट, अगर एक आध क्वेश्चन ही गलत हुआ था मेरा जो मेरे को याद नहीं आ रहा था, उसको मैंने दोबारा देख लिया. ठीक है, जैसे नीति आयोग वगैरह का, तो हाँ वो मैंने देख लिया एंड देन आई अंडरस्टूड इट एंड उसके बाद सब सही होने लग गया. सो दैट इज गुड. नाउ आई विल गेट माई सेल्फ सम वाटर, आई विल स्टार्ट डूइंग मैथ्स नाउ. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग माई टेबल. मैंने सिर्फ मैथ्स की बुक रखी है अपनी टेबल पर अलॉन्ग विद द नोटबुक दैट आई नीड एंड जो फालतू के पेन्स वगैरह थे वो भी मैंने साइड को कर दिए एंड फोन पे भी मैंने स्टॉप वॉच लगा दी, जिससे आई विल गेट टू नो कि मैंने कितनी देर मैथ्स पढ़ा है. एंड आई एम डूइंग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1. इसके PYQs मैं कर रही हूँ. देखो चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये वाला थोड़ा ईजी है तो ये फटाफट हो जाएगा, तो इसको मैं फटाफट निपटा रही हूँ. इसके PYQs मैंने नहीं करे थे, बट ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. तो हाँ, आई नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आई एम वेल अवेयर विद दिस चैप्टर, तो इसलिए मेरे इजीली इसके PYQs हो गए थे. बट इफ़ यू टॉक अबाउट चैप्टर्स लाइक ट्राइंगल्स एंड ऑल, उसके PYQs तो भैया बड़े अजीब से ही हैं, स्पेशली द वंस जो कंपार्टमेंट वाले पेपर में आए हैं. तो हाँ, फॉर मैथ्स लेट मी टेल यू दैट मैं सिर्फ अभी कर रही हूँ PYQs, अच्छे से PYQs कर रही हूँ एंड उसके बाद जो जो यूनिट्स मेरी हो गई हैं उनको मैं सैम्पल पेपर में से प्रैक्टिस करके देख रही हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं उस यूनिट में से. फॉर एग्जांपल जैसे मेरी यूनिट 1 और 2 हो गई है, दैट इज़ रियल नंबर्स एंड अलजेब्रा वाली मेरी पूरी हो गई है. तो अब आई डू दैट यूनिट फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर, देख देख के कि कौन से क्वेश्चन इस यूनिट के हैं कि नहीं. जो जो रियल नंबर्स और अलजेब्रा के होंगे मैं वो ट्राई करूँगी एंड देन उनमें से मैं देखूँगी मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी इन इन यूनिट्स में कितने नंबर आ रहे हैं एंड ये मेरे क्लियर है कि नहीं है. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड दिस इज़ एक्चुअली रियली इफेक्टिव. तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स ईजिली पता चल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस नाइसली. और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें ज़्यादा लाइक दिक्कत कौन से क्वेश्चन में आ रही है. लाइक अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में आ रही है तो तुम्हें वो यूनिट दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरी. एंड हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव, मैं पर्सनली बता रही हूँ. एंड लाइक ऐसे तुम करोगे तो यू विल बी वेल अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो. तो हाँ, तो तुम्हें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और तुम आराम से प्रैक्टिस भी करते रहोगे. तो अगर तुम्हारी NCERT और एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से हो रखी है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि तुम अब PYQs करने लग जाओ. एंड इनफैक्ट अगर तुम्हारी NCERT भी पूरी अच्छे से हो रखी है, लाइक 2-3 times यू हैव रिवाइज्ड इट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो हाँ आई डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम PYQs स्टार्ट कर दो, क्योंकि PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो हाँ, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पेपर में एंड मैं अभी भी यही कर रही हूँ. तो मेरा लाइक 2 units मेरी कंप्लीट हो गई हैं एंड जो ऑलरेडी मेरे कुछ चैप्टर्स कंप्लीटेड थे वो उनको हम काउंट करते चले तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 chapters ही बचे हैं. नहीं, 5-6 भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 4-5 chapters बचे हैं मेरे मोस्ट प्रोबेबली. तो मेरे को वो कंप्लीट करना है एंड आई थिंक वो आज आज में कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट डे तक.
आई जस्ट टुक अ ब्रेक आफ्टर कम्प्लीटिंग चैप्टर वन मैथ्स फ्रॉम पी वाई क्यूज वाली बुक एंड अब आई एम मेकिंग माई सेल्फ सम मैगी एंड मैं ये खाऊंगी एंड उसके बाद आई विल गेट बैक टू स्टडिंग एंड ब्रेक में मैंने बीच में एक रैपिड रिविजन वाला वीडियो भी देख लिया था दैट वॉज ऑफ 10 मिनट्स और समथिंग तो हाँ दैट इज ऑल्सो डन. मैंने इकोनॉमिक्स का देखा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का तो हाँ अब आई एम मेकिंग दिस मैगी एंड उसके बाद आई विल ईट इट एंड देन आई विल गेट बैक टू स्टडिंग. सो ये चैप्टर्स आर देयर इन यूनिट 1 एंड 2. यूनिट 1 में ओनली रियल नंबर्स. उसके बाद देयर इज चैप्टर 2, 3, 4, 5. तो आफ्टर कम्प्लीटली डूइंग चैप्टर नंबर 3 एज वेल आई गॉट हंग्री सो आई स्टार्टेड ईटिंग सम चिवड़ा एंड वो मैंने खा लिया देन आई कंटिन्यू. तो अभी इट इज़ ऑलमोस्ट 8 PM समथिंग. हाँ 8 बजने वाले बजे नहीं है एक्चुअली और मेरा अभी मैथ्स ही चल रहा है. अभी मेरे को मैथ्स ही पूरा करना है एंड आई एम थिंकिंग कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट्स कर लूँ यूनिट 1 एंड यूनिट 2. सो दैट वुड इंक्लूड ऑल द 5 चैप्टर्स दैट इज़ रियल नंबर जो है नंबर सिस्टम वाला और एलजेब्रा के सारे पार्ट्स मेरा हो जाएगा आज के आज और ज्योमेट्री मेरा हो रखा है अच्छे से. मेरे को मेंसुरेशन अच्छे से आता है बहुत अच्छे से आता है मेरा वो हो रखा है. मेरे को उनकी कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा. मेरे को ज़्यादा टेंशन है इनके वर्ड प्रॉब्लम्स की ऑफ एलजेब्रा दैट टू ऑफ चैप्टर 3. चैप्टर 4 भी मैंने कर लिया है तो अब इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही है बट हाँ आई एम प्रैक्टिसिंग अच्छे से एंड जो ट्रिग्नोमेट्री है ना मेरे को उसमें अभी भी डर लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई मैंने PYQs कर लिए हैं बट आई हैव टू डू इट अगेन यू नो. एक बार करके तो नहीं जा सकते याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी. तो हाँ उसमें थोड़ा डर लग रहा है बट लेट्स सी. आज करना है मैथ्स कल करना है उसके बाद कल थोड़ा फ्रेंच भी करना है क्योंकि हमारा पहला पेपर फ्रेंच का है. फ्रेंच का पेपर रिवीजन करना है उसका भी रिवीजन लाइक ऑलमोस्ट हो ही रखा है कल्चर वगैरह का. कल्चर इज़ लाइक लिटरेचर पार्ट जो इंग्लिश लिटरेचर होता है बिल्कुल इजी सा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके और बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाइक तुमको पता है एंड तुमको लाइक 6, 7, या 8, 9 पार्ट्स दे देंगे उनमें से तुमको यू हैव टू चूज़ एनी 5 एंड ऐसे ही करके करना है. तो हाँ कल्चर इज़ क्वाइट ईजी. उसके बाद लेटर भी क्वाइट ईजी है तो हमको पता है कि लाइक पता ही है कौन से लेटर्स आने ही होते हैं. इतने कोई लाइक बिल्कुल बाहर का नहीं दे देंगे. जो कल्चर में टॉपिक्स हैं ना उसी से रिलेटेड लेटर्स आते हैं. तो हाँ वो मेरे पास लिस्ट है पूरे सारे लेटर्स की तो आई जस्ट हैव टू गो थ्रू देम अच्छे से. एंड अनसीन पैसेज इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी वो भी मेरे को आता ही है. उसकी प्रैक्टिस ऑब्वियसली आई हैव टू डू ड एनीवेज. उसके बाद आई हैव ग्रामर. ग्रामर इज़ ऑफ लाइक 30 नंबर का आता है ग्रामर. तो ग्रामर में आई हैव टू डू 1 टॉपिक जिसमें मेरे को दिक्कत है. इट इज़ लाइक टेंसेस का टॉपिक है. हाँ उसमें थोड़ी सी दिक्कत है ज़्यादा नहीं है. एंड एक टॉपिक है लाइक प्रोनाउंस का तो उसमें हल्की सी दिक्कत है. लाइक एक आध पार्ट गलत तो जाता है बट ज़्यादा मार्क्स रिस्क नहीं कर सकती क्योंकि एक ऑलरेडी 5 नंबर का जो लाइक कंपलसरी टॉपिक है वो मुझसे गलत हो जा रहा है. नॉट सारे 5 नंबर बट हाँ 2-3 नंबर उसमें चले जाते हैं. तो हाँ आई हैव टू प्रैक्टिस टेंसेस अलॉट अभी एंड बाकी मैथ्स तो मैं कर ही रही हूँ मैं मैथ्स कुछ हो नहीं रहा है पर कर रही हूँ मैं अच्छे से. सो सिंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मेरी आँख में दिक्कत हो गई इन्फेक्शन हो गया. पेपर आने वाले हैं कुछ ना कुछ तो होना ही था. हो गया है आँख में इन्फेक्शन. अब आँख में मेरी इतना दर्द हो रहा है पर फिर भी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड के पेपर है. बट हाँ आज मैं लेट तक सोई थी तो हाँ दैट इज़ फाइन. बट पढ़ना तो उतना ही पड़ रहा है ना क्योंकि बोर्ड के पेपर है. हद होती है मतलब क्या ही करूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ. तो वाइल इग्नोरिंग दैट आँख का पेन आई कंटिन्यू स्टडीड मैथ्स फॉर अनदर आवर एंड इट वॉज लाइक 9 PM समथिंग एंड उसके बाद आई स्टडीड इंग्लिश क्योंकि मेरा बस हो गया था. मेरे लाइक हो गया था चैप्टर्स लाइक जितने यूनिट्स मेरे को करनी थी वो हो गई थी. तो हाँ उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड देन आई स्टार्टेड विद इंग्लिश एंड इंग्लिश में आई एम डूइंग प्रैक्टिस ऑफ अनसीन पैसेज क्योंकि अनसीन पैसेज जो होता है पहले वाला उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि द सेकंड वन जो आता है उसमें डेटा ही दिया होता है तो उसमें लाइक डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं. बट जो पहले वाला होता है आई थिंक उसको डिस्कसिव पैराग्राफ बोलते हैं कुछ ऐसे ही कुछ बोलते हैं. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट हाँ आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे. तो चलो एनीवेज वो वाले अनसीन पैसेज में ना मेरे नंबर कट जाते हैं एंड आई रियली डोंट लाइक इट क्योंकि अनसीन पैसेज लाइक क्या
उसमें तात्पर्य बनता है नंबर कटने का. इट इज़ सो वियर्ड, लाइक अनसीन पैसेज में किसके नंबर कटते हैं. सो दैट इज़ वाई मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड आई वॉन्ट कि अनसीन पैसेज में मेरे ज़्यादा नंबर ना कटे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो ही कटे, वो भी एक इस वाले में और एक उस वाले में, बस दो नंबर कटे पूरे टोटल मिला के, ज़्यादा ना कटे. क्योंकि अनसीन पैसेज में नंबर कटना इज़ वेरी फालतू, एंड बहुत फालतू की मिस्टेक्स होती है मेरी अनसीन पैसेज में. क्या बताऊँ, लाइक एमसीक्यूज में को सही आंसर आते आते मैं गलत आंसर टिक कर देती हूँ एंड फिर वो गलत ही हो जाता है ऑब्वियसली. तो हाँ, मैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि तुम अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से, एंड जो प्रीवियस ईयर वाले हैं बोर्ड के पेपर उनमें से करो, तो फिर तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से अनसीन पैसेजेस आते हैं एंड तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड मैंने आज एक ही सॉल्व करा था अनसीन पैसेज बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी बिकॉज ऑफ द मेडिसिन एंड ऑल. तो हाँ, उसकी वजह से मैंने एक ही करा एंड देन आई वेंट टू स्लीप. बट हाँ, एक भी मैंने करा ऐसे कि लाइक जैसे एक पेपर में करते ना इन प्रॉपर शीट्स एंड ऑल, उसमें करके करा. एंड इसमें लाइक कुछ क्वेश्चन थे जो तुम्हें अपने खुद से दिमाग लगा के लिखने थे, तो वो तो ऑब्वियसली सही हो गई क्योंकि उसमें अपने हिसाब से लिखना था तुमको चीज़ें डिस्क्राइब करते हुए. तो वो तो देयर इज़ नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि तुम्हें वही वही सेम सेम पॉइंट लिखने हैं. तो हाँ, इसलिए वो सब सही हो गए. बट हाँ, आई डिडंट स्कोर दैट वेल इन अनसीन पैसेज. इट वॉज ऑफ लाइक 8 marks एंड मेरे 5 या 4 ही आए, सो नॉट सो गुड. सो दैट इज़ वाई आई एम प्रैक्टिसिंग अलॉट. एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मेरे प्री बोर्ड में भी अनसीन पैसेजेस में सबसे ज़्यादा नंबर कटे थे, लाइक टोटल मिला के 3-4 या पता नहीं 4 नंबर कटे थे मेरे शायद अनसीन पैसेज में मिला के. सो दैट इज़ वाई मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स आने ही वाले हैं एंड सेकेंड पेपर इंग्लिश का है, तो आई डोंट वॉन्ट कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में मेरे एक नंबर कम आए, तो इसीलिए मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड आई होप तुम लोग भी अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहे होगे. एंड रिमेंबर कि तुम्हें सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से ही करनी है और कहीं से मत करनी, क्योंकि इट वुड बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई डिडंट स्टडी एनीथिंग मोर, आई जस्ट डिड SST आज, अ लॉट ऑफ मैथ्स एंड सम इंग्लिश टुडे. तो उसके बाद आई जस्ट वेंट टू स्लीप क्योंकि बिकॉज आई वॉज वेरी स्लीपी. सो हाँ, दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग. इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर. बाय.